क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहाँ उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। यह नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन, तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे, जब देखो तब टेढ़ा बा का मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए, अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहु पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहाँ प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी, हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं, जब वी मीट, और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। आप सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चुकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के फूल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो, वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है। मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुँह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा